ये स्वामी जी। महाराज क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं मालिक। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, महारानी बलि ने थोड़ा सा इनके शान में गुस्ताखी कर दिया, आपने उन्हें निकाल कर दासी बना दिया। लेकिन महाराज आपके यहाँ नौकरी हम भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि मान लियो कबो कुछ हमहू से गलती हो गए तो ये कह दिए सिपाही का निकालो, तो का आप हमहू को निकाल दे। सिपाही निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दे कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। कुल मिला के जौन कहे वही हमका करे पड़े। जो कुछ कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। काहे कहे कुआं में कूदो तो हमका कुएं कूदे ख। तुम्हें कूदना होगा। ये नीम के पेड़ का आम के कहे तो हमका कहा ही कहा? कहना होगा। कहा भाई महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे। कहिए। इस वक्त हमारा दिमाग कुछ उलझन में है और इस वक्त मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, बियाबान जंगल की तरह। नहीं। अच्छा शिकार खेले न जाओ। अम्मा क्या हुआ? शिकार खेले में तो बवाल हो छे। एक दही गयो शिकार खेले तो वो महारानी जी के नंबर खत्म रहा, और अब की गयो तो अब की नहु के नंबर खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है सिपाही। हर इंसान को एक तराजू के पल्ले में नहीं तौला जाता। मैं जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना, और तुम्हारी हिफाजत के लिए ये दासियां और ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा। मैं रहूंगा। ठीक है स्वामी जी। तुम जो कुछ कहोगी ये वही करेगा। वही करूंगा। अगर ये कहना तुम्हारा नहीं मानता है तो जब मैं वापस आऊं मुझसे बताना, हम इससे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज खाली इशारा करें हम तो नाचे तैयार हैं। मैं जा रहा हूं। स्वामी जी अपना ख्याल रखना। आप ये सदा खुश रहो। बहुत जल्द लौट कर आना क्योंकि मेरा राजमहल में दिल नहीं लगेगा। घबराओ नहीं। लेकिन स्वामी जी। क्या बात है? एक खुशी की बात और है। वो कौन सी खुशी है? खुशी की बात यही कि मेरे पेट में आपका प्यार पल रहा है। क्या? हाँ स्वामी जी। सच कह रही हो? सब कह रहे। दोनों महारानी जी के गर्भवती है। अरे भगवान, लड़का ही लड़का। ऊपर वाले ने सिपाही मुझे कोई संतान नहीं दिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि इकट्ठे दुई आई है। धन्य है वो। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी जी, बहुत जल्द आना। सिपाही अरे सिपाही। हे रे, कौनो इज्जत ही नहीं ना। हे रे सिपाही। हाँ मेरी बात सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ, और कायदे सुन रहा हूँ। मुझे पहचान रहा मैं कौन हूँ? हाँ पहचान है, वही जंगल वाली है। कौन जंगल वाली? मतलब पहले जंगल में रहा था, अब महाराज बुला लाए, आप रानी बन गई। रानी बन गई? हाँ। अब तुम मेरे कहने के इशारे पे काम करोगी। तुम्हारे कहे पर? अब जो मैं कहूंगी हाँ? वो तुम्हें करना पड़ेगा। बह जाओ, तुम्हारा टहल हमका नहीं करेगा। महाराज के सामने हुकारी भर दिया, उनसे तनख्वाह लिएगा है। अच्छा। और हमका तुमसे कहूँ तनख्वाह लिएगा है। महाराज के सामने कह दिया हमका तुम्हारी एक टहल नहीं करेगा। यानी कि तुम मेरा काम नहीं करेगा? तुम बैठो, हमहू बैठे जाए, हमहू का रंगबाज समझो। बेटा मैं महारानी अलका नहीं हूँ, मैं महारानी दमयंती हूँ। का करी हो? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं टेढ़ी करके निकालती हूँ। उंगली टेढ़ी करबो न करो, नहीं हम महाराज है नहीं ना। हमें तुम्हें जौन हाल होगी तुम्हारा आत्मा जान जाए। अच्छा आओ का? तो तेरी ये औकात? हाँ औकात, अब हमारा देखो कहाँ है। बहुत खतरनाक आदमी हूँ। सिपाही तू मेरा कहना करेगा या नहीं? ना, महाराज से तनख्वाह लेता हूँ, महाराज का कहना करूंगा। तो नहीं करेगा? ना, अपन काम खुद करो, नहीं को करवा लियो। अच्छा आ करेगा बेटा, करेगा। करूंगा।
करेगा या नहीं? जौन कहे वही करब, जौन कहे वही करब। करेगा ना? हाँ करवाओ, हम करे के तैयार हैं। और हम कौन? टहल टहल टहल, जौन कहे वही करब। तो सुन मेरी बात। हाँ। मैं तुझसे जो कुछ पूछूं। हाँ। सबसे पहले तो ये बता। हाँ। वो महारानी अलका। हाँ। उसे नौकरानी के कमरे में डाल दिया गया। डाल दिया। जा करके उसका ताज लेकर आओ। महारानी जी के सर का ताज तुम्हारे लिए मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। तुरंत लेकर आओ। जो खा खा के मोटे हो गए कमीनों, अब ये दमयंती तुम लोगों का चमड़ा खींच करके भूसा भरेगी अगर मेरा कहना नहीं किया तो। लीजिए ताज हाजिर है। हाजिर है महारानी जी का ताज। सिपाही हाँ, अब ये ताज मेरे सर पे बांधो। तुम्हारे सर पर? हाँ। ये ताज बांधने के लिए चेहरा हो चाहिए। क्यों रे? मेरा चेहरा क्या है? मेरे चेहरे में क्या है? कौनो कमी नहीं ना। मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बिल्कुल बहुत सही हो, वो बड़ी महारानी जी के ऊपर चमक नहीं रहा, तुम्हारा चेहरा है पहनने के लिए। अरे चेहरा होना चाहिए। आओ चलो मेरे सर पे बांधो इसे। ठीक, ये सर पे तुम्हारे बनेगा ताज और ये बांधेगा मैं। आज की बात महारानी यहाँ की मैं कहलाऊंगी। महारानी है न कहा, कौनो महारानी से कम ही कहा है। सिपाही तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, घबरा रहा, संभाव कमी हो जाते। वैसे ये ताज पहनने के लिए चेहरा होना चाहिए। हाँ सिपाही, आपका चेहरा बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही हैं और आपके सर पे ताज बन गया। सिपाही हाँ, अब बोलो बेटा कैसे लग रही हूँ? बिल्कुल जैसे गांव के माना दाई। पुरखा प्रधान, आपके अंदर कोई कमी नहीं, बढ़िया जम रही हूँ। महारानी जैसी लगती हूँ या नहीं? लागत हो पहले से लागत रही हूँ। कहाँ बोलू लगती हूँ ना? आओ का लागत है ही नहीं। जरा आईना लेकर आओ और मैं भी तो देखूं कि मैं कैसे लगती हूँ। आईना आईना ना मंगाओ। क्या ऐसा नहीं लागत हो सिपाही? हाँ। जो मैं कह रही हूँ वो काम तुम करो। वो करना मंगाओ नहीं, बवाल है। लाइस लाइस लाइस, ये आईना आ गया। ए भल्ला ना देखो। क्या ए भल्ला दोख लागे? ये भल्ला देखो, इसकी इस तरफ से नहीं उस तरफ से दिखाओ। वो कहीं ना देखो नहीं बवाल हो जाए। सिपाही मैं कहे उस तरफ से दिखाओ। दिखाई थे जब नहीं कहे वही कैसे दिखाओ? देखो जरा सामने लाओ आईना। सामने सामने लाओ, देखो तो कैसे लगती हूँ। बहुत अच्छी लागत हो। बताओ ये मेरे सर पे ताज बांधा है या मेरी तोहीन ही कर रहा कमीना? संभावा है टेढ़ाएगा है। रुक जाओ लो आपकी संभा दे, एक मिनट रुक जाओ। बच जाओ बच जाओ बच जाओ, सही से बांधो। सही से बांध देंगे। वाह ए जे, रुक जाओ चढ़ा जा रहा है ए जे। अब आई हो महारानी दमयंती जी, ताज बन गया। सिपाही अब मैं कैसी लगती हूँ रे? बहुत अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल, ये देखो बहुत अच्छी लगती हूँ। अच्छी लगे तो है, आज हिंदुस्तान में कौनो मेहरारू न होए। सिपाही अब एक बात मुझे बतलाओ। क्या बात? कि यहाँ का सेनापत कौन है? सेनापत यहाँ के सेनापत अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार हैं। अच्छा, एक बार डाकू तूफान सिंह हवेली में चढ़ाई कर दिया, महाराज को जान से मारने की धमकी दिया,
महाराज के आदेशानुसार सेनापति जी अपने बीघल के अंदर गए और उस हराम खोर तूफान सिंह को घसीटते हुए ले आए और उसे महाराज ने मौत की सजा दिया। अर्जुन सिंह ने घसीटते हुए लाया? हाँ, हम हो गए रहन की। अच्छा, हम भी गए थे। महाराज 50,000 रुपया दिन वही मत आए वह कॉलोनी बनवा हुआ है। जौन जौन हुआ महाराज तूफान सिंह का ने उनके आत्मा सही हो गए। अब ये बताओ कि यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री? हाँ मंत्री तो हम ही हैं। मंत्री आप हैं यहाँ के? हाँ, पोजीशन थोड़ा डाउन है। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात? यही है क्या कि आज मंत्री की फांसी होगी राज दरबार से। हम मंत्री ना हैं, हम उठाए ही रहें, हम कहीं कुछ मिलेगा वही से हम कहा मंत्री। मंत्री यहाँ के महामंत्री करण सिंह हैं। करण सिंह? तो ठीक है, जाओ करण सिंह से बोल दो कि महारानी दमयंती तुम्हें राजमहल के अंदर याद कर रही है, जाकर बुला के लाओ तुम। मंत्री जी का? जी हाँ। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रही हूँ। हम ही से करवा लियो। वो काम तुम नहीं कर पाओगी। अरे हम बहुत टहलुआ जवान हैं, कई ले जी बड़े बड़े टहल। नहीं कर पाओगे सिपाही, तुम जाओ यहाँ से। तो एक दिन अजमा के तो देखाओ कई ले भाई? जाता है या नहीं? जाए। मंत्री जी आ गई। चुप, क्या बात? महारानी बुलाए हैं। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे महारानी दमयंती। क्या महारानी दमयंती? हाँ। यहाँ की महारानी तो अलका जी है। हाँ? ये कौन? महू अलका। अलका का ट्रेन उड़े गए, अलका निकल आए। अरे मंत्री जी, यहाँ की महारानी अलका दासी हो गई है, यहाँ की महारानी दमयंती है और महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं महारानी के कहने के मुताबिक काम करेंगे। अगर जरा भी गुस्ताखी नजर आई तो नौकरी से बर्खास्त और उसे मौत की सजा। सिपाही? हाँ। यानी इसका मतलब कि महारानी अलका इशक्त दासी हो गई। हाँ। और यहाँ की हुक्मरानी दमयंती है। हाँ, और बहुत मरकही है, हमार नंबर लाग गया है, अब तुहार लागे वाला है, जौन कहे मान लियो नहीं नंबर खराब है। फिर बोलाए हैं बातचीत कीजिए। ठीक है जी। महारानी जी, क्या बात है कि आज इस गुलाम को बुलाया गया है? कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया है महारानी जी? मंत्री जी। बोलिए महारानी जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहूँ मंत्री जी आपसे इस घड़ी, क्या कहूँ मंत्री जी? बेचैन हूँ घर तरे, अलका रानी के राजन हुए जब नगी, कैसे खोगा यहाँ मेरा गुजरा जाए। मंत्री जी। महारानी जी, मैं हमेशा यही बात सोचती रहती हूँ कि जब महाराज अलका रानी को नहीं हुए तो हमको कहाँ होंगे। रात दिन बेचैनी सिर्फ इसी बात की बनी रहती है। महारानी जी, आप ठीक कहती, जब महाराज महारानी अलका जी के नहीं हुए तो आपके कैसे होंगे। महारानी जी, तो मुझसे क्या चाहे
रही है कहो खोल कर मुझसे क्या चाहती। खोल कर हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, शर कटाने को हर वक्त तैयार हूँ, मैं करण सिंह मंत्री नमकहार हूँ। अगर जाए कर जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खाक के जघर में तो मर जाऊंगी। मंत्री जी, महारानी जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि महाराज सूरसेन गए हैं बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए, और जाकर इसी वक्त महाराज सूरसेन को मिटा दो, और मिटाने के बाद एक दिन इस प्रेम नगर रियासत में आधी रियासत तुम्हारे नाम हो जाएगी और आधी रियासत मेरे नाम रहेगी। महारानी जी, आप घबराए नहीं, अगर आपने ऐसा कॉल किया है और वादा करती हैं तो, लेकिन महारानी जी, आप अपने वादे से कभी मुकर नहीं जाना। मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार हूं। मंत्री जी, मैं मुकर नहीं जाऊंगी, मैं एक छत्राणी हूं, मैं वादा करती हूं कि एक दिन इस साधे राज का मालिक तुम्हें अवश्य बनाऊंगी। ये लो और जाओ मंत्री जी, महाराज सूरसेन को मिटा दो इस दुनिया से। महारानी जी, मैं वादा करता हूँ और जा रहा हूँ इसी वक्त प्यावान जंगल, जब तक कि महाराज सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक के करण सिंह अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाएगा। मुझे विश्वास है। आओ चलते हैं इसी वक्त प्यावान जंगल। हम ना जाब आधा तुमका मिली और आधा इनका मिली, हमका का मिली। शिवाई, अगरचे मैं प्रेम नगर रियासत का आधे का हकदार हो गया, तो एक दिन मैं तुझे यहाँ का मंत्री जरूर बनाऊंगा। मंत्री बनाओगे? मंत्री बनाओगे तो फिर चलिए, महाराज का मैं भी मर्डर कर दूंगा। आओ चल रहे हैं इसी वक्त त्यावान चल रहे। महारानी जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी, जाइए। महाराज सूरसेन, तू क्या समझाता रे कि मैं तेरे साथ शादी करके तेरी पत्नी बनकर पत्नी का फर्ज अदा करूंगी? पत्नी का फर्ज नहीं अदा करने आई हूँ, मैं तेरी मां बनकर आई हूँ तेरी हवेली में, और जब तक तेरी खानदान को नहीं मिटा दूंगी ये दमयंती चैन से नहीं बैठेगी, चैन से नहीं बैठेगी। ये मात है, मात, ये तेरी मात है दमयंती, जो एक दिन तेरी हवेली में आग लगा करके हवेली को जलाकर खाक कर देगी। वक्त का इंतजार करो सूरसेन। सिपाही खोज करते करते परेशान हो गया, लेकिन कहीं महाराज का पता नहीं चल रहा कि महाराज कहां है और कहां नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहां तलाश कर रहा हूं और महाराज वापस
हवेली पहुंच गए हूँ। ये भी हो सकता है सर। लेकिन आज आज खोज जारी रखो, आज महाराज का पता नहीं चल रहा तो कल हवेली वापस चलेंगे। बहुत अच्छी बात। तुम लोग दक्षिण की तरफ जाओ और मैं उत्तर की दिशा देख रहा हूँ और अच्छे ढंग से निगरानी करो। जाओ। बहुत अच्छी बात। जाओ इसी वक्त। क्या भगवान, हम शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल की तरफ आए हैं और काफी टाइम हो चुका लेकिन अभी तक कोई शिकार मुझे नजर नहीं आया। थोड़ी देर और देखते हैं, कोई शिकार अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम अपने राजमहल वापस चलेंगे। तुम लोग कौन हो? महाराज मैं ही तुम्हारा वफादार मंत्री करण सिंह हो। मंत्री करण सिंह, तूने मुझ पर गोली चलाया है। हरामजादे, तूने जिस पत्तल में खाया है उसी में सुराग कर दिया। तुझे कभी भगवान भी नहीं माफ करेगा। सम्राट शूरसेन, उस दिन का याद कर कि जिस दिन किसी ने किसी के साथ तूने ही धोखा किया है और मैं तेरे सामने उसकी जान की भीख मांग रहा था तो तूने मेरे ऊपर रहम नहीं किया और आज मैंने जो गलत किया है तो क्या बुरा किया है। करण सिंह, एक दिन तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तू ऐसी जगह मारा जाएगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। सुरसेन, तू अपनी देख, अपनी देख कि क्या दशा तेरी हो गई। लेकिन मैं तुम्हारा मंत्री हूं, तुम्हारा गुलाम हूं। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूं। महाराज, तुम्हारे मरने का नजारा चेहरा हम छुप कर देखते हैं। तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। अब जाओ शूरसेन, देखो किस तरह तुम खोट खोट कर अपने दम को तोड़ते हो। बच्चा शिवाई, आओ हम महाराज के मरने का नजारा जरा छुप कर तो देखते हैं। बच्चा अपने दम को तोड़ता है। बच्चा, भगवान के लिए कोई मेरी जान बचा ले। बच्चा। कौन? महाराज, 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 कौन हो तुम? सेनापति अर्जुन सिंह। सेनापति अर्जुन सिंह, महाराज तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो तुम्हें भी नहीं जिंदा छोड़ेगा। जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा उसका नाम बताओ। अर्जुन सिंह, ये मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया है। क्या अफसोस मंत्री करण सिंह, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं महारानी अलका के आदेशानुसार मैं आपकी तलाश में आया हूँ। अर्जुन सिंह, आखिरी वक्त
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल किया है। मैं अपनी दूसरी शादी रचा करके अपने इस राजमहल में महारानी दमयंती को लाए हैं। अफसोस महाराज, ये आपने क्या किया? और महारानी अलका को हमने राजमहल के बाहर निकाल दिया है। अफसोस। और हमारी प्रिय अलका वो गर्भवती है। मुझे बचन दो अर्जुन सिंह कि उनकी कोख से जो भी संतान जन्म ले उसका राज तिलक तुम अपने हाथों से करोगे। मुझे बचन दो। खा कसम मैं प्रतिज्ञा हूँ करता नपत, पहली रानी को जाकर बचा लूंगा मैं, उससे संतान उत्पन्न जो होएगा राज गद्दी पे उसको बिठाऊंगा मैं। उससे संतान उत्पन्न जो होएगा राज गद्दी पे उसको बिठाएंगे हम। महाराज आप घबराए नहीं, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और करण सिंह को इसकी सजा दिलवाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए। नहीं अर्जुन सिंह, अब हमारा आखिरी वक्त है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी प्रिय अलका का ख्याल रखना। महाराज उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। मैं वचन दे रहा हूँ बड़ी रानी को कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ चले। नहीं देखो मुझे कोई आवाज देकर बुला रहा है। महाराज नहीं। महाराज नहीं। नहीं महाराज। करण सिंह तूने इतना बड़ा धोखा जिस थाली में खाया उसी में सुराग किया। एक दिन फांसी का फंदा तेरे गले में न डलवाया तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं। और अब महाराज की लाश को लेकर महारानी अलका के समक्ष पहुंचाऊंगा ताकि महारानी अलका को यकीन हो कि सेनापति अर्जुन सिंह महाराज की खोज में गया था। नहीं महारानी जी को यकीन नहीं होगा। करण सिंह तूने मेरी रिवॉल्वर निकाल कर ये कोई बहादुरी नहीं की। गद्दार महाराज का खून करके तुझे क्या मिला? अर्जुन सिंह विश्वासघात तो तूने किया है। महाराज तेरा क्या बिगाड़े थे जो महाराज का खून करके और महाराज की लाश को यहां से गायब करना चाहता है? झूठ मत बोलो करण सिंह, महाराज का खून करके मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठा इल्जाम कैसे बहाने बना रहा है? अरे सबूत साथ में है कि महाराज का खून तूने ही किया है और लाश को भी गायब करना चाहता है। लेकिन याद रख करण सिंह, ये बात यहां तक नहीं, महारानी अलका के समक्ष पहुंचाऊंगा और तुझे मौत की सजा दिला कर रहूंगा। मौत की सजा मुझे? अर्जुन सिंह मौत की सजा मुझे नहीं, मौत की सजा तो अब तुझे मिलेगी।
अब मैं तुझे इसी वक्त ले चलूंगा महारानी दमयंती के पास। भला इसी में है कि अपने हाथों में हथकड़ी पहन और हमारे साथ चल। इस वक्त निहत्था हूँ, मजबूर हूँ, ले चल। लेकिन मेरे हाथ में हथकड़ी पहना सकता है, लेकिन मेरी जुबान नहीं बंद कर सकता। वो तो वक्त ही बताएगा अर्जुन सिंह, जब दमयंती सिंह का कहर देखोगे तब तुम्हें याद आएगा। सिपाही डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी और ले चल घसीटते हुए दमयंती के पास। हेलो, तुम सब के सब बिक चुके हो। बिका मैं नहीं, बिका तो तू है गद्दार। महाराज तुझे बच्चे की तरह मानते थे और महाराज का तूने खून किया। गद्दार कहीं का, घड़ियाल के ऐसे आंसू मत बहा। ले चल, तूने महारानी के सुहाग को मिटाया है, वो तुझे कतई माफ नहीं करेगी। मैंने मिटाया है कि महारानी दमयंती के सिंदूर को तूने अर्जुन से छीना है? वो तो वक्त बताएगा। ले चल इसे महारानी दमयंती के पास। वाह साहेब, सिपाही सेनापति को पेड़ में बांध दिया, लाश को क्या किया जाए? अब एक काम कर। क्या? इस लाश को भी उठा और इसे दमयंती के पास ले चल। अगर कौन नहरिया में बहा दिया, अब लाश कहाँ करे ले जाए? नहीं सिपाही। क्यों? अगरचे हम इस लाश को यही गायब कर देते हैं तो खून का इल्जाम अर्जुन सिंह पे नहीं मुझ पे लगेगा। बहुत सही, इसलिए इस लाश को महारानी दमयंती के पास तक ले चल और देख कि हम कैसा खेल खेलते हैं। बहुत अच्छी बात। शूरसेन, मैंने कहा था और प्रतिज्ञा किया था, उसी दिन जिस दिन तूने तूफान सिंह को मौत की सजा दिया था, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं शूरसेन तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। शाला, शाला।